हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। पिछले ब्लॉग से आप लोगों को पता ही चल गया होगा मैं अपने ससुराल आई हूँ और बस मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। और आज है दिवाली, सो आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। छत पे आई हुई थी मैं कपड़े डालने के लिए और हेयर वॉश किया हुआ था, सोचा ऊपर ही कॉम कर लेंगे एंड बालों को सुखा लेंगे। रुदांत का देखो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और आज का दिवाली वाला ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बने रहिए मेरे वीडियो में एंड तक। धूप बहुत तेज हो रही है, नीचे चलते हैं। सुबह से ही सबके काम स्टार्ट हो गए। सबसे पहले सब लोगों ने चाय पी और ये भी अभी चाय ही पी रहे थे और भैया ना लाइट निकाल रहे थे क्योंकि बालकनी में लाइट डालनी थी। और भैया आज दिवाली है तो दिवाली के दिन तो लाइट जितनी ज़्यादा डलती है उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सुबह से सब अपने अपने काम पकड़ लिए हैं और ना ऐसा रहता है ना, सब लोग रहते हैं तो काम का पता ही नहीं चलता, काम का एंड समय का, दोनों ही चीज़ों का पता नहीं चलता। कब सुबह से शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। सो यहाँ पे लाइट वगैरह निकाल के बालकनी में लगा दी है और ये माला बना रहे थे शाम को पूजा के लिए एंड ये पत्ते हैं जो मैंडोर पे लगाएंगे भैया। सो बस सब लोगों का ऐसे ऐसे काम डिवाइड हो गया था और मनीषा और मम्मी ने किचन का है ना जो खाना वगैरह था वो सब बनाया था। ये देखो हमारा बाबू क्या खा रहा है, दूध एंड टोस्ट दे दिया मम्मी ने, सुबह खा रहा है। और अभी पता है शाम का टाइम हो रहा है सो मैं बनाने वाली हूँ रंगोली। तो चलते हैं बाहर रंगोली बनाते हैं, तो रुदांत मेरी हेल्प करेगा रंगोली बनवाने में एंड मम्मी ने मुझे काम दिए हुए हैं सो मुझे वो करने, मम्मी ने मुझे रंगोली बनाने का दिया है एंड बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं वो फोल्ड करके रखने हैं। ये देखो यहाँ 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 करे रंगोली बनाते हैं अच्छी सी एंड देखते हैं डिजाइन कौन सा। चलो बाबू जल्दी पियो अपन फिर चलेंगे, ठीक है जल्दी फिनिश कर लो। आ जाओ बाहर, आ जाओ हम बाहर ही हैं। चौक उठा लें, पहले चौक से आउटलाइन निकालेंगे फिर बनाएंगे है ना। मैं यहाँ पे रंगोली बनाऊंगी ये मेन डोर पे और ये देखो हमारा दरवाजा कितना अच्छे से सज गया है। यहाँ दोनों तरफ पत्ते लगा दिए हैं केले के। ये देखो हमारा दरवाजा कितना सुंदर लग रहा है, पीछे बीच में पत्ते देख रहे आम के पत्ते लग रहे हैं। ये देखो अरे क्या पत्ते लेके घूम रहे हो, ऐसी दिवाली। अच्छा सब लोग इधर बाहर आके आप दिख नहीं रहे अच्छे से, आगे मुंह दिख नहीं रहे अच्छे से, ज्यादा बिजी हैं आगे फोन चलाने में। तो यहाँ पे मैं रंगोली बनाऊंगी, सबसे पहले थोड़ी झाड़ू निकाल देती हूँ क्योंकि कचड़ा पड़ा हुआ है साइड में ना, कभी का घर उन्होंने पत्ते लगा रखे हैं, ये हमारा घर हमने भी लगा रखे हैं। दिवाली की ने रंगोली बन ली है, ये देखो ये कन्याड़ी रखी है और माचिस से चलती है, ये दिवाली की तैयार देखो। सो ये रखे हुए हैं कलर और यहाँ पे हम बनाएंगे रंगोली, थोड़ी सी मैंने बना ली है, दिए बन गए एकदम से खुशी बनाएंगे, ज्यादा एकदम वैसे ही बनाने वाले हैं। तो फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं। कलर 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 व्हाइट कलर है, ये देखो कितने सारे कलर लेके आए थे चाचू है ना। हमारी पता नहीं क्या कर रही है, क्या हुआ क्या मम्मी और पत्ते बिल्कुल मैच हो रहे हैं, हरी हरी दिख रही है आज मम्मी एंड ये हमारी अधूरी रंगोली, इसको कंप्लीट करते हैं। आप इधर ही उठ सकते हैं, अरे पूरा इधर गंदा करोगे आप, वहीं चलो उधर ही साइड को पानी बन पान के बाबा बहुत गंदा कर रहे हैं, चाचू लेके आए थे उतार के लिए अभी। एक बार वाइट देना दादा, वाइट दो कहां, वाइट है नहीं इसमें हां हां ये येलो है तो ये भाई, अरे भाई थोड़ी हो, वो भाई येलो के वो ब्लैक कलर में ब्लैक का क्या है यार, मिटा मिटा के पूरा खराब कर पूरा पूरा उतनी वो सब रंग मिल गया उसमें, अलग करो उसको। तो गाइस फाइनली मेरी रंगोली हो गई है डन, ये देखो पूरी बना ली है मैंने, अब मैं रेडी होने के लिए जाती हूँ क्योंकि रंगोली मेरी कंप्लीट हो गई है बिल्कुल। और बाकी यहाँ पे दोनों मतलब दरवाजे पे पैर बना दिए हैं और यहाँ पे भी पैर बना दिए, बीच में ये इस तरीके से रंगोली डाल दी है, अच्छी बन गई है। अब चलते हैं रेडी होने के लिए। तुम सही से लपेट नहीं रहा, दिखा तो सर कैसे लग रहे हो भाव रेडी हो गया है, ऐसे ऐसे मटक मटक दे अरे पहले पूजा होने तो पटाखे
मम्मा रेडी हो रही है। सो मैंने पहन ली है साड़ी, ये देखो मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, बैंगल्स पहन लेते हैं, मम्मी भी रेडी हो गई है, ये देखो मम्मी बस अंदर तैयार कर रही है, रुद्रांश ब्लॉगिंग कर रहा है और रुद्रांश भी रेडी हो गया है। ये टिकलिया बंदूक चला ले, इनके हाथ में बंदूक है, ये आर्मी बॉर्डर है, ये अपना टिकली बम लगा ले, ये देखो हाय बोलो दादी। हाय। माचिस लेके आओ बेटा। मैं निकालती हूँ पहले दूध लेके आ सकती। मैं कर लूँ जी पल चाट खा लूँ, अभी नहीं खा लूँ, अभी अभी पूजा कर लूँ। चाचू हाय बोलो। देखिए मैं फाइनली रेडी हो गई हूँ और मैंने ना साड़ी पहनी है ये वाली और बस मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ और अभी चलते हैं पूजा के लिए। सो पूजा की भी सारी तैयारियाँ हो गई हैं और सब लोग रेडी हो गए हैं, सिर्फ मैं ही बची थी लास्ट में क्योंकि मैं बाहर रंगोली डाल रही थी ना इसीलिए। और ये देखो मैं कुछ इस तरीके से दिख रही है मेरी साड़ी। चलिए अब चलते हैं पूजा जहाँ हो रही है वहाँ चलते हैं। और रूम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है क्योंकि मैं हो रही थी रेडी और मम्मी मनीषा लगा रही हैं पूजा का सामान और बस ये मम्मी ने मुझे पहनने को दिया तो मैंने ये पहन लिया। इयररिंग्स मैंने अभी अभी लिए हुए थे ना तो वो वाले पहने हैं, गोल्ड वाले भी थे बट मैंने सोचा आज इनको पहन लेती हूँ साड़ी के ऊपर तो ठीक लगेगा, बट कोई नहीं। चलिए अब चलते हैं, रेडी हो गए पूजा में। साड़ी तो मैंने पहन ली है बट साड़ी पहनने के बाद अब मुझे ऐसा लग रहा है मैंने पल्ला छोटा ले लिया, बट कोई नहीं थोड़ा सा पल्ला ही तो डालना है पूजा में तो डाल लेंगे, बाकी इतना छोटा सा पल्ला लिया है। पूजा हुई नहीं, बाबू को मिठाई खाने की पड़ रही है। हाँ चलो ये हमारी पूजा हो गई है, नहीं पटाखे चलाने मम्मी रख रही है दिए, ये तो लगा दे इधर, बैठ तो जा रही ना, कहाँ कहाँ रखना है, दो तीन ही है ना। पूजा हो गई, अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर फटाके चलाने के लिए, सब लोग पहुंच गए, मैं ही सबसे पीछे बैठी हूँ एंड पीछे देखो कितना अच्छा लग रहा है, रंगोली में भी हम लोगों ने दिए रख दिए, ऊपर अंधेरा है ज़्यादा क्लियर नहीं दिखेगा बट कोई नहीं, चलिए चलते ऊपर फटाके चलाते हैं, फटाके नहीं फुलझड़ी चला। सब ने एक जैसे कलर के कपड़े पहने हुए हैं, ओ फटाका कहाँ गया वो, ये देखो पूरा इस तरीके से सजा हुआ है सबका घर। कहाँ गया? अरे वो तो बोल रहा था फटेगा। नहीं। आ जाओ, लो बैठो। ऐसे करो। इधर इधर। बाबू दूर हट जाना जल्दी से रन करके। चलो 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 चलो। खत्म।
ए चूना नहीं, दूर गर्म रहती है बेटा। दिवाली सेलिब्रेशन तो हो गया हमारा, मैंने चेंज कर लिया है और ये कपड़े रखे हुए हैं, मैं इनको ना फोल्ड करके रख देती हूँ जगह पे, क्योंकि अभी सबने चेंज किए थे तो पूरे रूम में इस तरीके से कपड़े कपड़े फैले पड़े हुए हैं सब लोगों के, और पटाखे अभी भी चल रहे हैं। सो मैं इन कपड़ों को फोल्ड कर देती हूँ एंड मम्मी खाना बना रही हैं। सो गाइस खाना पीना हो गया है, अभी हमारा टाइम बहुत हो गया है, पापा सो रहे हैं यहाँ पे, इधर सो रहा है, ये सो रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा जोर से बात नहीं कर सकती। आप लोगों को आज को अच्छा लगा हो हमारा फैमिली के साथ, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना है, चैनल नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और इस साल की दिवाली जो है ना बहुत खास थी हम लोगों के लिए, वो कभी किसी और वीडियो में मैं शेयर करूँगी। फिर से आप लोगों को विश यू वेरी हैप्पी दिवाली एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।